नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज। इस वक्त की खबर प्रयागराज से। आपको बता दें, महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। जी हाँ, प्रयागराज ब्लॉक शंकरगढ़ के अंतर्गत आने वाला गांव रामगढ़ में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया गया। दूरदराज से आए श्रद्धालुओं को काफी सुविधा है वहां पर। अब हम आपको लेकर चलते हैं नंदलाल दास महंत जी के पास। उन्होंने क्या बताया है, बाहर से आए आलोक सिंह महेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कहा, यह भी आप सुनिए। कहां पर मौजूद ब्रिज बिहारी सिंह, राम बहोर सिंह। नमस्कार दोस्तों, हमारे जो देखने वाले हैं वो ये जानना चाह रहे हैं कि यहाँ का जो मंदिर है शंकर जी का, रामगढ़ नाम यहाँ का क्यों पड़ा और यहाँ का मंदिर की उत्पत्ति कैसे हुई, यहाँ शंकर जी की उत्पत्ति कैसे हुई, ला के कहीं दो मुहूर्त रखी गई कि अपने से प्रकट हुए, यहाँ महंत जी से जानेंगे। यहाँ पर हमेशा जो है एक लोगों में धारणा है कि जो है यहाँ पर हर मन्नत पूरी होती है, इससे लोग काफ़ी प्रभावित होते हैं। और आज उसे शिवरात्रि के दिन है, रामगढ़ में मेला का आयोजन भी है, मेला लगा हुआ है। अब हम महंत जी से ही मुलाकात करा रहे हैं आपकी। देखिए दोस्तों, हमारे सामने महंत जी नंदलाल दास हैं। इनका क्या कहना है, इनका कहना है कि हो सकता है कि जब जमुना पार होकर रामचंदी गए थे तो यहाँ पर क्या किए हों, मतलब विश्राम किए होंगे क्यों। हाँ, लेकिन रामायण में कहीं उल्लेख नहीं है। यह तो इस कहानी को बनावट कहा जाए या सही कहा जाए, यह तो महंत जी जाने या जनता जाने। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज चैनल से रोहिणी कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मैं अनिल कुमार त्रिपाठी, यहीं पास में पूरे बघेल गांव है, वहां का रहने वाला हूं। बचपन से हम लोग देखते हैं उसी टेरस पर यहां लाखों की भीड़ होती है। और बचपन में तो कलकत्ता से चिड़ियाघर, बहुत सारी दुकानें, ऊँट लद के आते थे, हाथी घोड़े शेर चिड़ियाघर सबकी, बहुत बड़ा मेला लगता था। आपकी बात में कितनी सच्चाई है, 2 साल से तो रिपोर्टर खुद ही आ रहे हैं तो ऐसा हाथी घोड़ा चिड़िया कुछ नहीं दिखता है। बचपने की जो मेला, अच्छा बचपन की बता रहे हैं, कई साल पहले। और यही थोड़ी सी पहाड़ी पे सीता रसोईया है जी, आज भी वहाँ कहते हैं कि जब भोजन बनाती थी सीता जी शाम टाइम खुशबू आती है वहाँ आसपास। जी जी, आपने महसूस किया है? हम तो गए नहीं है वहाँ। हाँ। थोड़ा जंगल में है आगे, हम नहीं, आप जैसे बता रहे हैं यहाँ के आसपास के गांवों के लोग जो शाम को जाते हैं। हाँ, सीता शाम टाइम आए नहीं। कई किलोमीटर पर है ये मंदिर? ये मंदिर का परिसर नहीं, जहाँ बता रहे हैं सीता सत्यम सिंह किलोमीटर होगा जंगल टाइप। वहाँ आपने खुशबू देखा है कि सिर्फ आपने सुना है? यहाँ रामगढ़ के आसपास के वासी सनवरसा रामगढ़ ओसा गांव के जो लोग शाम को भी आते हैं, सुबह आते हैं, अनुभव और मलमास में वो लोग रात में भी रहते हैं, उन्होंने महसूस किया है। महसूस किया है जी। अच्छा, अनिल कुमार त्रिपाठी जी, एक बात और बताइए, अभी महंत जी ने रामगढ़ के बारे में बताया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है कि यहाँ का रामगढ़ मतलब कैसे पड़ा, बताना है कि रामगढ़ इसलिए राम जी यहाँ निवास किए, ये सच्चाई आप महसूस करेंगे जब संकट। हम महसूस नहीं करेंगे, जनता महसूस करेगी, लेकिन आप क्या सही बताएंगे इसके बाद। लोगों को चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, ये प्रमाण यहाँ का है, जब शंकरगढ़ के आसपास के एरिया में मई जून के महीने में एक बूंद पानी नहीं निकलता, शंकरगढ़ के सारे हैंडपंप बंद हो जाते हैं। यही पास में राम सरोवर है, उसमें बावली राम सरोवर ये सामने है आपको। जी जी जी, तो अपने आप पता नहीं कहाँ से पानी, अपार पानी निकलता है, हम लोग जल में स्नान भी करते हैं, पानी भी करते हैं। और यहाँ पास में एक कुआं है छोटा सा, ये तो सरोवर है राम सरोवर, यहाँ भी पानी निकलता है, एक कुआं है वो बिल्कुल ऊपर रहता है, जबकि आसपास के गाँवों में उसमें हैंडपम्प बंद हो जाते हैं। शंकरगढ़ विख्यात। देखिए यहाँ पर एक महंत जी ने एक मिलती जुलती कहानी का निर्माण कर दिया। अभी हमारे सर ने पूछा तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि यहाँ पर ऐसा ऐसी उत्पत्ति हुई थी, ओसा के लोगों का जो इसमें योगदान है उन्होंने धीरोधर कराया। लेकिन यहाँ पर मौजूद एक महंत दादी ने इसका खंडन करते हुए उन्होंने एक नई कहानी गढ़ दिया, जैसा कि आम आदमी सुनने को एक कहानी आती, बच्चों को सुनाया जाता है, बेटा बता कहानी सो दे बेटा, वैसे ही ये मामला सामने आ गया है, जैसा कि अभी हम महंत जी से खुद ही जानकारी लेंगे। अच्छा महंत जी, ये बताइए कि आपके पीछे भी एक मंदिर है जिसमें राम और सीता दिख रहे हैं, तो इसका निर्माण कब और किसने करवाया? इसका निर्माण तो अभी हुआ है, सुंदर दास थे महाराज। अच्छा, उन्होंने कराया, रामेश्वर दास महंत थे। अच्छा, लेकिन महाराज जी क्या ये उचित है कि ये मंदिर आपके पीछे क्यों है, इसका जवाब दीजिए आप कि मंदिर पीछे क्यों है, मंदिर पीछे होना चाहिए कभी? नहीं, पीछे ना। अब बताइए इसका जवाब दीजिए आप।
नहीं तो बगल में है, पीछे कहाँ है? मंदिर पीछे है कि आप मंदिर के आगे बैठते हैं? नहीं नहीं, मंदिर के हम बगल बैठे हैं, पीछे नहीं। मंदिर के बगल में बैठे हैं, एक तरह से भक्ति साधना में लीन रहते हैं यहाँ, है ना। तो बाकी अब फिर इसके बाद बताइए, उस कहानी के बाद ये जो मंदिर का निर्माण हुआ वो किसने करवाया और यहाँ का जीर्णोद्वार जो हुआ? ये जो धार यहाँ इस इलाके में ओसा गांव है, ओसा गांव के एक शंकर प्रताप सिंह थे, उन्हें उनका लड़का उसमें हो गया, क्या कहते हैं, माइंस इंस्पेक्टर। तो वो जब अधिकारी हुआ तो वो डेली आता, हर 13 आता था जल चढ़ाने। उन्होंने कहा शंकर जी कृपा हमारे ऊपर हुई तो जो अपना वेतन पाया साल भर में सब लगा दिया। कहाँ के थे वो? ओसा की। हाँ, फिर ये पार्वती का मंदिर है, एक लड़का SDM हुआ, DM, वो फिर अपना वेतन लगा के 12 दिन बनाया। कहाँ का लड़का था तो DM हुआ? ओसा। बाबा जी आप ये बताइए, जब वो तरवारी दाई वाली कहानी एक बार आप फिर से हमारे दर्शकों को सुनाइए। तो तरवारी दाई यहाँ दूध छोड़ने आई थी, और दूध छोड़ रही थी, छोड़ते समय इस पत्थर में खुरपा लगा, और जब खुरपा लगा दूध निकल आया, और जब दूध निकला तो वो दोबारा तिवारा मारती रह गई। क्या मारती रही? क्या मारती रही? उनकी चमत्कार देख। क्या मारती रही? अच्छा, हाँ फिर छोड़ने वाला। तो फिर कई गांव में बताया, एक हमको पत्थर में खुरपा लगा। कौन गांव में बताया? रामगढ़। हाँ फिर तो रामगढ़ में बता के फिर गांव वालों ने कहा अरे तमाशा करती है, ऐसे खिलवाड़ करती है। बुजुर्गो ने कहा अरे जाकर देख लो कितनी दूर है। फिर लोग आए देखे तो वो भी खुरपा चलाए, खुरपा से 2-3 मरतबा मारे दूध निकला। तो आज जो अपनी ये शिवलिंग की प्रतिमा है, यहाँ शिवलिंग है, तो मतलब वो वही वाली है जहाँ से दूध निकला? हाँ, जो निकला। क्या वो दूध आज भी निकलता है स्वयं? आप तो दूध नहीं। अच्छा, बताई बुजुर्गों से बताई बात, बता रहा हूँ कि कैसे शंकर जी प्रकट हुए। एक तरह से आपने अपने बुजुर्गों से सुना, उन्होंने अपने बुजुर्गों से सुना। हाँ, है ना, ऐसे ऐसे हम। अच्छा, और ये जो चमत्कारी तालाब है इसके बारे में क्या कहेंगे? तो इसके बारे में ये कि 1665 में बहुत भयंकर अकाल पड़ा, सूखा पड़ गया, कहीं पानी नहीं था। चर्चा क्या सुना? हाँ ये बताइए कि पहले यहाँ जंगल कहीं गांव था, कुछ दूर में कहीं पुराई पूर्वा था, तो वहाँ के यादव जात के हो कोई भी हो, वो गैया रखते हैं, उसके पास गई एक गाय थी, और वो गाय इधर ही चरे आवा करते, वह जगह पर माटी का धुल्हा रहा जब शंकर जी का था, तो वो गाय आवे तो चरा घूमा चली जाए। एक दिन का संजोग बस पता नहीं कैसे गाय वहाँ पर चढ़ गए, और चढ़ के गाय चारा चराए और दूध होकर वहीं पर गिराए, तो अगर खाली हो गया। अब वह जब सुबह चार के अब गाय शाम के, तो शाम के भी देखे तो गाय सोची से आ रही, तो गाय कहीं तो कोनो मतलब कीड़ा पिलहिस के पिलहिस का हो गया। एक दिन कोई बात नहीं, दूसरे दिन फिर हुआ हाल, तीसरे दिन जब फिर हुआ है हाल, तो वह गाय ढील के वहाँ से जब छोड़ दी तो दूसरी टाइम वहाँ गोछा गाय मतलब दूर में रहा, देखी तो वह गाय वहीं तरह दूध वो तरह देख गया गिर रहा। हाँ हाँ, दूध गिर गया और गाय उतर गई, गाय चली गई। उसके बाद उठी गाय देखी तो अगल बगल हाँ चट्टी पूरा धोआए, तो घर सब बताए जाए अपने बुढ़िया से कि देख रहे ऐसा है यह गाय भी पूरा पर जा, तो कहना दान दूध यहाँ पर रहा था, और वह गाय का दूध पिए थे, दूध अपने से पीले थे, तो ऐसा कर जब हम पर देखता हूँ तो वह हमें खबावे जाइए, अरे कहा चल हम अपन देवता लगा उतर चल जाए तो वहीं पर बढ़िया घास ले जा,
तो छोले लगी, आ छोलते ही समय उसमें जब टक्कर लगा तो यही में दूध निकला। जब दूध निकला तब फिर भाई छानबीन होगा क्यारी को, वही आदमी ने कहा कि हमारे गाय का जितना दूध है वही सब दूध वही। कहाँ से आए हैं आप? शंकरगढ़ से। कहाँ पर आए हैं? रामगढ़ में। आज यहाँ क्या है? अच्छा, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं आप यहाँ? क्या नाम है आपका? क्या नाम है? कहाँ से आए हैं आप? यही शंकरगढ़ से आए हैं। अच्छा, कहाँ पर आए हैं आप? भी यहीं आए हैं? हाँ, बस जीजा जी हैं हमारे, उनके साथ आए थे। सुना था कि रामगढ़ के बारे में कि यहाँ जो भी मन। कैसा अनुभव कर रहे हैं यहाँ पर? अच्छा लग रहा है, भीड़ तो काफ़ी है आसपास के, गांव के लोग बहुत सारे लोग आए हुए हैं। अच्छा, यहाँ पर मंदिर किसका है? मंदिर शंकर जी का है। अच्छा अच्छा, ये कौन सी जगह? रामगढ़। अच्छा, ये शंकरगढ़ में आता है? शंकरगढ़ आता है, उसी में है ये रामगढ़। धन्यवाद। क्या नाम बताया आपने? महेंद्र प्रताप सिंह। धन्यवाद। अभी महंत जी ने बताया, हमारे सर को बताया कि जो है वो ओसा वालों के बारे में। सर आप पूछेंगे दोबारा इनको कि ओसा वालों के बारे, इन्होंने अभी ओसा के बारे में बताया तो उन्होंने दिलो दौर कराया। हम और कुछ नहीं बता पाएंगे, हमने आपको जो सुनी कहानी थी उसने आपने भी वही बता दिया, एक मिलती जुलती कहानी बताई है। अच्छा, फिर भी विश्वास मैं बता दूं, यहाँ राम कथा हो रही थी, हमारे पास पैसा चूक गया महंत जी से, मैंने कहा हमको जाना है अपने यहाँ और आश्रम, वहाँ से कुछ पैसा लाएंगे अर्थ के लिए। महंत जी हमारे